अगर आपके पास घर में दो कच्चे आलू रखे हैं तो फिर व्रत के लिए बनाइए शानदार रेसिपी जिसे खाकर आप बिना व्रत के भी बनाएंगे। हेलो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर मेरे चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए दो मीडियम साइज़ के मैंने ये कच्चे आलू लिए हैं जिन्हें छील कर पानी में डाला जिससे इनका कलर ना काला पड़े क्योंकि इनका नेचर होता है काले पड़ जाते हैं अगर बिना पानी के रखेंगे तो पानी में ही डाल कर रखें और अच्छे से इन्हें पील कर लें, छिलके नहीं होने चाहिए। और मैंने ये हाफ कटोरी जितना कुटू का आटा लिया है और हाफ कटोरी से कम मैंने ये सिंघाड़े का आटा लिया है, आप राजगिरी का आटा भी ले सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने मिर्च की पत्तियाँ ली हैं डंठल के साथ लिया क्योंकि डंठल सॉफ्ट है। और तीन हरी मिर्च को ऐसे रफली कट कर लिया और एक इंच अदरक लिया है। और थोड़ी सी मूंगफली ली है मैंने, ये कच्ची है। और थोड़ा सा मैंने ये नारियल के लच्छे लिए हैं, आप ताज़ा नारियल हो उसको भी ले सकते हैं या डेसिकेटेड कोकोनट हो आप उसको भी ले सकते हैं। और व्रत वाला सॉल्ट लिया है, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ये ग्रेटर में मैंने आधा इंच जितना अदरक ग्रेट करके लिया और एक हरी मिर्च को कट करके लिया है और थोड़ा सा जीरा। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं और जो खाते हो उसको बढ़ा भी सकते हैं। चलिए सबसे पहले मूंगफली को ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे, आपको घी ऑयल कुछ भी नहीं डालना है और आप व्रत में घी ऑयल जो भी यूज़ करते हैं आप उसको यूज़ करें इस रेसिपी को बनाने के लिए, बट इसमें अभी कुछ भी नहीं डालना, ऐसे ही रोस्ट कर लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखें इसे चलाते हुए जिससे इसमें मूंगफली का कच्चापन और कोकोनट का कच्चापन नहीं आएगा। अगर आप फ्रेश कोकोनट या डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ करेंगे ना तो उसको भी आपको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। और मैंने थोड़ा सा जीरा भी डाला है इसमें 1/3 जितना, उसका भी कच्चापन निकल जाएगा और उसको ठंडा होने देंगे, फिर हम आपको बताते हैं उसको क्या करना है। और मैंने ये ग्रेटर लिया है, मैं मीडियम साइज़ के होल से इसे आलू को ग्रेट कर लूँगी। आपको बड़े साइज़ के होल से या बहुत फाइन वाले से नहीं करना, ऐसे देखिए ऐसे मीडियम लच्छे रहेंगे ना तो परफेक्ट बनेगी हमारी रेसिपी। बहुत मोटे लच्छे रहेंगे तो कच्चापन आएगा क्योंकि वो देर से कुक होते हैं। और चलिए इनको हम पानी में डालते जाएंगे जिससे ये काले ना पड़े, बाहर नहीं रखें, पानी में डालते जाएँ आप। और बहुत ही इजी वे में बन जाती है, इतनी महंगाई में जब इतनी कम लागत में बन जाती है ये रेसिपी तो व्रत के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। घर में आलू सभी के होता है और देखिए स्टार्च देखा था कितना था उसमें, तो मैंने इसे 3 से 4 बार अच्छे से धोया है, देखिए बिल्कुल क्लीन लच्छे हैं ना, निचोड़ कर निकाल लिया है। और देखिए मेरा ठंडा हो गया है तो ग्राइंडिंग जार में मैंने डाल दिया है, इसमें जीरा है और नारियल के लच्छे हैं और मूँगफली है और मिर्च की पत्तियाँ भी डाल देंगे डंठल के साथ ही, हरी मिर्च और अदरक। अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं जैसे धनिया हरा तो उसको भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला मेरे पास नहीं, या टमाटर खाते हैं व्रत में तो उसको भी डाल सकते हैं। और 1/3 जितना मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है और व्रत वाला सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अगर आप इसमें से ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च या काली मिर्च पाउडर में से एक चीज़ ही डालें। और मैंने एक कटोरी छोटी कटोरी से पानी डाला है, आप जितना इसकी थिकनेस रखना चाहें उतना आप इसमें पानी ऐड करें, मैंने थोड़ा पानी और बढ़ाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक थी ये देखिए। बट अब ये अब सेमी कंसिस्टेंसी की बनकर तैयार हो गई मेरी ये चटनी, ये देखिए। आपको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं पीसना और बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं करना है, थोड़ा सा इसे कोर्स ही रख के जैसे मैंने रखा टेक्स्चर। और इसमें मैं 1/2 लेमन जूस डाल दूँगी, अगर आप टमाटर का यूज़ करते तो टमाटर डाल सकते हैं तो खट्टापन उससे भी आ जाएगा ग्राइंड करने में, या फिर आप थोड़ा सा दही डाल दें 2 से 3 चम्मच जितना, बहुत ज़्यादा खट्टा हो तो क्वांटिटी कम रखें, फ्रेश हो तो 2 से 3 चम्मच डाल दें उससे भी बहुत अच्छा खट्टापन आ जाएगा। बट मैं लेमन जूस डाल रही हूँ, ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है और चटनी हमारी बनकर तैयार है। आप इसे रेगुलर में भी खा सकते हैं, रेगुलर खाने के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। और आलू के लच्छों में मैंने जीरा डाला है और हरी मिर्च को, अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो स्किप कर लें इसमें से हरी मिर्च को, या फिर आप नहीं यूज़ करते व्रत में तब भी आप स्किप कर सकते हैं, आप जो यूज़ करते हैं उसका यूज़ करें। और काली मिर्च पाउडर डाला है और ये सबसे पहले मैंने सिंघाड़े का आटा डाला है इसमें 3 टेबल स्पून जितना है ये, अगर हो तो डालिएगा ज़रूर, अगर राजगिरे का आटा हो तो उसको भी डाल सकते हैं या फिर आपके पास सवा के चावल का आटा हो जो व्रत में खाते हैं उसको डाल सकते हैं। और 4 से 5 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें ये कुटू का आटा डाला है,
और नमक डाल दिया है मैंने, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाला क्योंकि चटनी जो बने बनाई ना उसमें भी डाला, तो इसी के साथ हम यूज़ करेंगे उसको, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब इसको हम हाथों से मिक्स करेंगे, हाथों से ही आप मिक्स करें, इससे क्या होगा ना जब हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे ना थोड़े हार्ड हाथों से, तो नमक डाला है तो जो इसमें आलू में खुद का मॉइस्चर होगा ना वो रिलीज होगा। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं किया क्योंकि नमक डाला है ना, तो जो आलू में खुद का मॉइस्चर था वो रिलीज हुआ है। तो हमें अब पता चल गया कि हमें कितना पानी डालना है, उसी अकॉर्डिंग पानी हम डालेंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका गाढ़ा घोल बना लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, आपको रनी नहीं रखना है। ये देखिए ऐसे गाढ़ा घोल है और इससे भी ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है, तैयार कर लिया है। चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। ऐसी और मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। और मैंने ये पैन लिया है, आप तवा भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, अगर नॉन स्टिक तवे या पैन का यूज़ करेंगे तो ये परफेक्ट ज़्यादा बनेगा, बट अगर आयरन का तवा या पैन ले तो हैवी बॉटम होना चाहिए। मैंने इसमें थोड़ा सा मूंगफली का ऑयल लगाया है, आप घी यूज़ करते तो घी लगा दें, जो भी आप व्रत में खाते हैं ना। थोड़ा सा ग्रीस करना, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगाना, आप इससे कम भी लगा सकते हैं। और मैंने इसमें एक छोटा चम्मच जितना दो चम्मच भर के इसमें दो बार डाला है और इसे फैला दें हल्के हल्के हाथों से। और बहुत हल्का गर्म होना चाहिए आपका पैन या तवा जो भी यूज़ करें, बहुत ज़्यादा हीट करने पर ना डालें और गैस का फ्लेम मीडियम रखें। और अगर आपको ज़रूरत लगे अपने बर्तन के अकॉर्डिंग तो आप गैस को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, मैं भी बीच में अभी थोड़ा सा इसे हाई कर दूंगी अभी, बट मैंने मीडियम रखा है और बिल्कुल लो गर्म होने पे ही मैंने डालकर फैला दिया। ये देखिए बहुत ज़्यादा थिक आपको नहीं रखना, जिससे ये अच्छे से कुक होगा, कच्चापन नहीं आएगा। देखिए जैसे मैंने बिल्कुल पतला फैलाया है ना, आप अच्छे से फैला लें और आप जितना बड़ा साइज़ बनाना चाहें उसी अकॉर्डिंग बैटर डालें। और इसको थोड़ी देर अभी हम सिकने देंगे, थोड़ा थोड़ा हम इसके किनारों पे भी अभी ऑयल डाल देंगे और इसके ऊपर भी ऑयल डाल दें, जिससे हम पलटेंगे ना तो इसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घी यूज़ करते तो घी डाल दें, देखिए मैंने डाल दिया है। फ्रेंड्स मेरे चैनल पर और भी व्रत की रेसिपी अपलोड हैं जो मैंने अलग अलग तरीके से बनाई हैं और बहुत ही ईजी वे में बनाना बताया है, और व्रत की थाली भी अपलोड हैं, मैंने अलग अलग रेसिपी बनाई है व्रत की थाली में भी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छी लगे तो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और देखिए मैंने थोड़ी देर इसे एक से दो मिनट कुक कर होने दिया है, उसके बाद मैंने इसे बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इसके अंदर मैंने स्पैचुला से इसको पलट दिया है। फ्रेंड्स आप टेंशन न लें, बहुत ही ईजी से ये पलट जाता है, अभी मैं आपको फिर से बनाकर दिखा दूँगी, टूटता भी नहीं है और बहुत अच्छे से ये कुक भी होता है। आप ऐसे दबा दबा कर इसको कुक कर लें, दोनों साइड से अच्छा सा क्रिस्पी कर लें, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे गर्मा गर्म खाएंगे तब ये बहुत ही क्रिस्पी लगता है, अगर ठंडा हो जाता तब भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, ऐसा नहीं है कि ठंडा होने पे इसका टेस्ट ख़राब होता है। आप इसे रख कर भी खाएंगे ना, आप टिशू लगाकर इसको रख दें, आप कैसरोल के अंदर या ऐसे ही किसी प्लेट पर टिशू लगाकर आप रख देंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है ठंडा होने के बाद भी। और आप इसे दही के साथ खाएं, किसी भी चटनी के व्रत में जो आप बनाते हैं उसके साथ इंजॉय करें, या टी के साथ भी, या विदाउट किसी चटनी टी दही के भी ऐसे भी इंजॉय करेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं आपको बता रही हूँ अगर आपको स्पैचुला से दिक्कत हो ना तो आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे पलट भी सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, या फिर स्पैचुला से ही। देखिए पहले मैंने दूसरा भी बनाया तो पहले इसके किनारे निकाल देंगे और फिर इसको देखिए अभी पलट कर दिखाती हूँ, बहुत ही ईजी वे में ये पलट जाता है। बट अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप प्लेट लगाकर इसे पलट भी लें और निकाल भी वैसे लें, मैं बट ऐसे स्पैचुला से इसे पलट भी रही हूँ और निकाल भी रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको जो भी तरीका सही लगे आप वो फॉलो करें, मैंने इसलिए दिखाया आपको। ये देखिए मैंने इसको भी ऐसे ही उलट पलट कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लूँगी। और फ्रेंड्स आप देखते हैं कितने कम लागत में बन जाता है जो आपके किचन में अवेलेबल रहता है, और कितना कम घी या ऑयल जो भी यूज करते हैं वो भी बहुत कम लगता है। जो लोग बहुत कम ऑयली खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। और मैंने इसके चटनी के साथ सर्व किया है, आप अपने मनपसंद किसी भी चटनी को बना सकते हैं जो आप व्रत में खाते हैं, और या फिर आप इसे चाय के साथ जैसे चाहें वैसे ही इंजॉय करें, या फिर आलू का सब्ज़ी भी बना सकते हैं। और देखिए ये फ्रेंड्स मैं अभी आपको आवाज़ नहीं आ रहा होगा बट ये क्रिस्पी भी है, मैं इसे तोड़ रही हूँ तो इसमें क्रिस्पनेस की आवाज़ आ रही है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप फ्रेंड्स मेरी ये
कच्चे आलू और कुटू से बना हुआ चीला रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स और के साथ, और लाइक बटन को प्रेस करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको। अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत पसंद है ये रेसिपी, इसीलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, जिससे आप सभी भी इस नवरात्रि बनाकर इंजॉय करें। और आप सभी बनाएं तो मुझे फीडबैक जरूर बताएं, मुझे तो बहुत पसंद आई, मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, मेरे बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं इस रेसिपी को। तो आप सभी भी इस नवरात्रि इसे बनाकर ट्राई करना, इतना पसंद आएगी कि आप रेगुलरली भी बनाकर इसे खाएंगे। तो बनाए खाएं और इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू टू फैमिली। अगर आपने मेरी ये वाली रेसिपी नहीं देखी तो जाइए मेरे चैनल पर देखिए, और मैं फिर मिलूंगी आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।